नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आंचल। पेश है पीस न्यूज की खबरें सुपर फास्ट। देहरादून में मैसूर के पूर्व विधायक गणेश जोशी, उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रकाश पंत से बीके मंजू और बीके शालिनी ने मुलाकात कर राखी बांधी तथा ईश्वर सौगात भेंट की और परमात्मा को सत्य रूप में जानने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर सरकार के पूर्व मंत्री मूला राम, नागरोता के विधायक धविंदर सिंह राणा को बीके सुदर्शन ने राखी बांधकर ईश्वर संदेश के साथ साथ सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। चेन्नई में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूथ फॉर बेटर टुमारो विषय पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ साइकोथेरेपिस्ट एंड सोशल वर्कर डॉक्टर विद्या हरी, युवा प्रभाग के संयोजिका बीके रजनी, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डेविड जवाहर, उच्च शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव कारू नागरंजन, एनएसएस कोऑर्डिनेटर भास्कर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी ने दीप जलाकर किया। शिक्षाविदों ने कहा कि विभिन्न प्रतियोगिताओं का समय प्रत्येक समय आयोजन करने से न केवल उनका सर्वांगीण विकास होगा बल्कि उनमें मूल्यों की भी धारणा होगी, जो कि आज के समय की मांग है। इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ओम शांति भवन में रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया गया, जिसमें इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती ने कहा कि यदि पुरुषार्थ में कभी ढीलापन आ जाए तो लक्ष्य और सूत्र को याद करें तो स्व उन्नति होगी। इसके साथ ही सभी सदस्यों को राखी बांधी। ऐसे ही रेवती रेंज सीमा सुरक्षा बल में भी राखी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ओम शांति भवन के सदस्यों ने सुरक्षा बल के जवानों को बताया कि आप सभी देश की रक्षा करते हैं लेकिन परमपिता परमात्मा हम सभी मनुष्य आत्माओं के विषय विकारों व दुखों से रक्षा करते हैं। इसके साथ ही सभी को राखी भी बांधी। 70 बटालियन सीआरपीएफ कैंप में दिल्ली के बवाना सेवा केंद्र द्वारा रक्षाबंधन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके चंद्रिका ने कमांडेंट ऑफिसर राजेंद्र सिंह, सेकेंड असिस्टेंट कमांडेंट राम निवास शेखू, सीएमओ चुनचुन कुमार समेत 50 अधिकारियों को राखी का आध्यात्मिक रहस्य बताकर रक्षा सूत्र बांधा। इसके साथ ही बवाना के विधायक वेद प्रकाश, पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार समेत अनेक विशिष्ट लोगों को भी राखी बांधी। बैंगलोर सिटी सब जोन प्रभारी बीके पद्मा ने आदि चुनचुनगिरी मठ के श्री सौम्यानंद स्वामी, महाधर्म अधिकारी स्कॉन टेम्पल के रवि कुमार पटेल को राखी बांधकर परमात्मा के सत्य रूप में जानने का आह्वान किया। इसके साथ ही ईश्वर सौगात भी भेंट की। कर्नाटक के वेमेगल सेवा केंद्र पर सांसद के एच मुनियप्पा ने शिरकत की, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला ने उन्हें राखी बांधी। हरियाणा के तोशाम सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आसपास के गांव से भी कई ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना ने राखी के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए राखी बांधी। राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र द्वारा ट्रैफिक पुलिस लाइन में रक्षाबंधन पर बीके बहनों को आमंत्रित किया गया, जिसमें राज्य शिक्षिका बीके बबीता ने राखी का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए सभी पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा। ऐसे ही आरटीओ ऑफिस में भी बीके बबीता, बीके प्रवीणा और बीके पावन ने रीजनेबल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर नानू राम, जिला परिवहन अधिकारी सुधीर बंसल को भी ईश्वरीय साहित्य भेंट कर राखी बांधी। वही सेवा केंद्र पर भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जिसमें महापौर शिव सिंह भट्ट ने शिरकत की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने स्वयं की कमजोरियों को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प कराया व राखी बांधी। भरतपुर के बयाना उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, बीके गीता ने रक्षाबंधन पर पार्षद हजारीलाल शर्मा, जेलर ईश्वर चंद शर्मा, एसडीएम मूलचंद राजावत को ईश्वर संदेश देते हुए साहित्य भेंट की तथा राखी बांधी। खरगोन में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रवि जोशी, तहसीलदार आशीष खरे, निमाण रेंज के डीआईजी गिरधर पांडे, पुलिस अधीक्षक अमित सिंह, जिला अधिकारी अशोक वर्मा, कसरावाद के विधायक सचिन यादव को बीके मनीषा और बीके भावना ने राखी बांधकर ईश्वर सौगात दी। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर भी रक्षा सूत्र बांधकर शुभकामनाएं दी। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के कोर्ट में राखी का पर्व मनाया गया, जिसमें बीके राधा, बीके नीरू और बीके मधु ने कई वकीलों को राखी बांधी। वही एनआईटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तथा आयुर्वेदिक कॉलेज में भी कार्यक्रम का आयोजन कर
रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर वी के अरोड़ा को ईश्वरीय संदेश देते हुए रक्षा सूत्र बांधा। दिल्ली के नरेला मंडी सेवा केंद्र द्वारा आईटीबीपी कैंपस में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जिसमें कमांडेंट ऑफिसर सीताराम, असिस्टेंट कमांडेंट चिरंगी लाल समेत सभी जवानों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गा और राज्य शिक्षिका बीके रेखा ने राखी का आध्यात्मिक रहस्य बताकर रक्षा सूत्र बांधा। हरियाणा के नूह सेवा केंद्र द्वारा राखी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें नगरपालिका के उपाध्यक्ष सीमा सिंगला समेत कई विशिष्ट लोगों को बीके कांता ने राखी बांधी। वहीं भूतपूर्व विधायक आफताब अहमद, डीएसपी महिला पुलिस नेहा समेत कई गणमान्य लोगों को राखी बांधकर विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। ऐसे ही महाराष्ट्र के संगमनेर सेवा केंद्र पर भी राखी का पर्व मनाया गया, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर बाला साहेब थोरात और महापौर दुर्गा तांबे से बीके भारती और बीके पद्मा ने मुलाकात कर राखी बांधी। जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा ने बताया कि रेशम की डोर स्वर्णिम संसार की ओर इशारा कर रही है। इसके साथ ही अंगीरा नगर कैलाशपुरी समेत अनेक स्थानों से आए बीके भाई बहनों को राखी बांधी। महाराष्ट्र के चाकुर सेवा केंद्र द्वारा बीएसएफ कैंप में रक्षाबंधन महोत्सव मनाया गया, जिसमें उदगीर सेवा केंद्र प्रभारी बीके महानंदा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, अहमदपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया ने कमांडेंट ऑफिसर संजय शर्मा, डिप्टी कमांडेंट एएस भाटी समेत 200 जवानों को राखी बांधी। इस मौके पर बीके महानंदा ने सभी जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि राखी सिर्फ धागे का बंधन ही नहीं बल्कि मन वचन कर्म से मर्यादा का पालन करने का बंधन है। इसके साथ ही सभी को राखी भी बांधी गई। नेपाल में पोखरा सेवा केंद्र पर इस मौके पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रविंद्र अधिकारी, पूर्व सांसद शुक्राज, पश्चिम क्षेत्र के प्रशासक शंकर कोइराला समेत सभी उपस्थित लोगों को पश्चिम नेपाल की प्रभारी बीके परिणीता, नया बाजार सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा ने राखी बांधी। वहीं बीके शैलाज राज बराल ने राखी का महत्व बताया। राजस्थान में कोटा सेवा केंद्र द्वारा केंद्रीय जेल में भी राखी का पर्व मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति और बीके गरिमा ने जेल अधीक्षक सुधीर प्रकाश समेत सभी कैदियों को राखी बांधी। वहीं जिला अधिकारी रवि कुमार सुरपुर, सांसद ओम बिरला, पूर्व महापौर डॉक्टर रत्ना जैन को भी राखी बांधकर ईश्वर संदेश दिया। मध्य प्रदेश के गाडरवारा में महिला ब्राह्मण समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक साधना स्थापक, महिला ब्राह्मण समाज की अध्यक्षा पूजा तिवारी और बीके कुसुम समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इंदौर में ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर ओम प्रकाश भाई जी सभागार में 3 दिवसीय राज्योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली शक्ति नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी, क्षेत्रीय संयोजिका बीके हेमलता, उज्जैन से बीके उषा, कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ सदस्यों ने अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि किस तरह से स्वचिंतन और श्रेष्ठ अध्ययन से स्व उन्नति की जा सकती है। इसके साथ ही ईश्वर का चिंतन करने की भी सलाह दी। ओडिशा के बेलपहाड़ सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जिसमें ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष अनूप साई, नगर अध्यक्ष परशुराम साहू ने सभी को बताया कि राखी का पर्व सभी धर्म व जाति से ऊपर है। वही सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिखा ने अतिथियों समेत सभी सदस्यों को राखी बांधी। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र पर हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने कृष्णा ग्रुप ऑफ स्कूल के अध्यक्ष मदन मोहन त्रिपाठी समेत सेवा केंद्र पर आने वाले सभी लोगों को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हुए राखी बांधी। ऐसे ही उतई के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में भी सीआईएसएफ के जवानों तथा डीआईजी को बीके बहनों ने राखी बांधी और सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। कर्नाटक बेलगावी के सांसद सुरेश अंगाड़ी, विधायक फिरोज सेठ से बेलगावी सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंबिका ने मुलाकात कर ईश्वर संदेश दिया तथा राखी बांधी। बेंगलोर के चामराजपेट सेवा केंद्र द्वारा ओम कैफे का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर बीके वैभव ने मूल्यों के प्रयोग पर प्रकाश डाला।
गुजरात के नवसारी के जलालपोर सेवा केंद्र द्वारा ममता मंदिर स्कूल समेत अनेक स्थानों पर राखी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बीजरपुर पुलिस स्टेशन में भी कार्यक्रम आयोजित कर राखी के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बीके बहनों ने बीजरपुर नगर पालिका के CO शशिकांत और नगर पालिका अध्यक्ष हेमा को भी राखी का आध्यात्मिक रहस्य बताकर राखी बांधी। महाराष्ट्र पनवेल में नील क्लिनिक के डिवाइन म्यूजियम में आध्यात्मिक मिलन समारोह का आयोजन रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में किया गया। इस अवसर पर 100 फार्मा अधिकारियों ने हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। समारोह के दौरान डॉक्टर शुभदा नील ने मन की शक्ति के बारे में बताया। वही मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ईवी गिरीश और डॉक्टर दिलीप नलगे ने भी राज्यों का महत्व बताया। नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव IAS चलत श्रीवास्तव, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष IAS नरेश कुमार, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष प्रेम चंद्र वैश्य को राखी के पवित्रता का प्रतीक बताते हुए रक्षा सूत्र बांधा। पंजाब के बरनाला सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके ब्रज ने रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य बताया तथा आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की बात कहते हुए रक्षा सूत्र बांधा। इसके साथ ही बरनाला के डिप्टी कमिश्नर सरदार भूपिंदर सिंह, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर अमनदीप बंसल, SSP सरदार गुरप्रीत सिंह, जेल अधीक्षक सरदार कुलवंत सिंह समेत कई विशिष्ट लोगों को परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश देते हुए राखी बांधी। वही सेवा केंद्र पर रोटरी क्लब वालों के लिए रक्षाबंधन सेरेमनी मनाई गई, जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा, आई सर्जन त्रिनोकीनाथ, भगवान दास बंसल समेत क्लब से जुड़े कई लोगों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके ब्रज ने राखी बांधी। फिरोजपुर कैंट सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा ने बताया कि परमात्मा को याद करेंगे तो विकार व बुराइयों से बचे रहेंगे। मैं सभी को राखी भी बांधी। फिरोजपुर कैंट सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा और बीके शक्ति ने डिप्टी कमिश्नर देवेंद्र सिंह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर DRM अनुज प्रकाश, DIG सरदार LS खतरा समेत कई विशिष्ट लोगों को राखी बांधकर ईर्ष्या, द्वेष और लोभ जैसे विकारों को त्यागने का संकल्प कराया। नवी मुंबई के वाशी सेवा केंद्र द्वारा यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भी राखी मनाई गई, जिसमें वरिष्ठ महाप्रबंधक राजीव कुमार सिंह ने सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला, राज्य शिक्षिका बीके शुभांगी और बीके प्रीति का स्वागत किया। इस अवसर पर बीके सदस्यों ने जहां जीवन को तनाव मुक्त बनाने की बात कही, वहीं राज्यों का अभ्यास कराकर सशक्त बनने पर बल दिया। इसके साथ ही सभी को रक्षा सूत्र भी बांधा। पूना के मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र के बीके सदस्यों ने सुप्रसिद्ध लेखक एवं महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदरे, सुप्रसिद्ध गायक पंडित संजीव अभयंकर, सकल अखबार के एडिटर मल्हार अरंकले, चीफ रिपोर्टर संभाजी पाटिल को राखी बांधकर ईश्वरीय संदेश देते हुए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। वहीं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के केशवपुरी सेवा केंद्र पर जल संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्यान ने शिरकत की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, बीके उर्मिल ने उनसे ज्ञान चर्चा कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। महाराष्ट्र के पनवेल पुलिस हेडक्वार्टर में राखी का पर्व मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा ने SPI लक्ष्मण बेलसेकर समेत कई पुलिस कर्मियों को राखी बांधते हुए कहा कि रक्षाबंधन परमपिता शिव परमात्मा की ओर से आत्मा को बांधा जाने वाला पवित्र बंधन है। ऐसे ही उड़ान नेवी कैंप में सिक्योरिटी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर वीरेंद्र कुमार समेत सभी अधिकारियों को बीके सदस्यों ने राखी बांधी। गुजरात पाटन के अस्पताल में सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने राखी के आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए सभी उपस्थित जनों को अवगुण छोड़ने का अनुरोध किया। ऐसे ही फॉरेस्ट ऑफिसर JK मकवाना, ग्राम विकास एजेंसी ऑफिसर को बीके सदस्यों ने राखी बांधी। हरियाणा सोनीपत के सेक्टर 15 में SDM निशांत सिंह यादव, DRO सुरेश कुमार, तहसीलदार विकास समेत कई विशिष्ट पुलिस अधिकारियों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमोद ने राखी बांधकर सभी को ईश्वर संदेश दिया। राखी के पावन पर्व पर ओडिशा के संबलपुर सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन दी फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर CRPF के कमांडेंट सुरेंद्र चौधरी, DM समर्थ वर्मा,
स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती उपस्थित रहीं। इस दौरान अतिथियों ने सभी को इस पर्व की बधाइयां दी और बीके पार्वती ने बताया कि परमात्मा प्यार की राखी हम सभी के लिए पवित्र प्यार का बंधन है और ये बंधन हमें बुराइयों और दुखों से सुरक्षित रखता है। झारखंड रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में राखी मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने उपस्थित सभी पुलिस कर्मियों को राखी के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराते हुए कहा कि परमात्मा द्वारा दिए जा रहे पवित्र ज्ञान को धारण करने से ही हम स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं। बिहार के समस्तीपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, बीके सोनिका, बीके स्मृति ने डीएम प्रणव कुमार, एसपी नबल किशोर सिंह, एडीएम संजय उपाध्यक्ष समेत कई पुलिस अधिकारियों को राखी बांधकर ईश्वर संदेश दिया। राजकोट रवि रत्ना पार्क के जीवन ज्योति स्कूल में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा रक्षाबंधन के पावन पर्व पर नैतिक मूल्य जागृति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ राज्यक शिक्षिका बीके गीता, बीके डिंपल ने उपस्थित सभी बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण करने की सलाह दी और शिक्षकों व बच्चों को राखी भी बांधी। ऐसे ही राखी के कार्यक्रम का आयोजन सेवा केंद्र पर भी आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी और अन्य बीके बहनों ने सभी उपस्थित जनों को राखी बांधकर जीवन में तन मन धन से सदा पवित्रता को धारण करने का संकल्प कराया। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर नेपाल के दमौली सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके यमुना ने बताया कि यदि हमें स्वयं को सदैव सुरक्षित रखना है तो हमें मर्यादाओं अर्थात ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, स्वयं को तन मन धन से पवित्र बनाना होगा। ऐसा संकल्प करते हुए बीके सदस्यों को राखी बांधी गई। वही दमौली कारागार में कैदियों को भी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने राखी बांधी, साथ ही नकारात्मक विचारों, व्यर्थ विचारों, व्यसनों से स्वयं को मुक्त कर परमात्मा को याद करने की सलाह दी। हरियाणा के हतीन में एसडीएम सतेंद्र शिवाज और तहसीलदार मनमोहन को सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने तिलक लगाकर राखी बांधी, साथ ही ईश्वर संदेश दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में डिस्ट्रिक्ट जज भारत भूषण, एएसपी नीरज पांडे, एसडीएम बिजावर रविंदर चौकसे, विधायक जितेंद्र सिंह बुंदेला, बीजेपी नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह समेत कई विशिष्ट लोगों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा, बीके मोनिका और बीके प्रीति ने राखी की शुभकामनाएं दी। मुंबई मुलुंद के सीआरपीएफ कैंप में डीआईजी आरडी परमहंस समेत कई जवानों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा, बीके मीना ने राखी बांधकर ईश्वर संदेश दिया। वहीं हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में एडमिनिस्ट्रेटर रमेश घुले, तनाजी देवकुले समेत सभी अधिकारियों को भी राखी बांधी। ऐसे ही नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में राखी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन ने रामाकृष्णा मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के स्वामी सुपर्णा नंदा जी महाराज को सेवा केंद्र पर राखी बांधी। इसके साथ ही भविष्य में आने वाली नई स्थितियों की दुनिया का दिव्य संदेश भी दिया। ऐसे ही कोलकाता में पुलिस कमिश्नर राजीव मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर वी सोलोमोन निशा कुमार, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस जयंत कुमार बासु, स्पेशल एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस महबूब रहमान को बीके स्निग्धा, बीके चंद्रा ने पावनता का संदेश देते हुए राखी बांधी। इसके साथ ही बीके सदस्यों ने गवर्नर हाउस के कई अधिकारियों को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाकर पवित्रता का धागा बांधा। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विमला ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन, कमिश्नर गुलशन बामरा, छावनी परिषद के सीईओ हरेंद्र सिंह, मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर आर एस शर्मा, इसके साथ साथ जीआरसी यूनिट में लगभग 400 जवानों एवं उनके परिवारों को राखी बांधी गई। साथ ही आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराते हुए नैतिक मूल्यों को जीवन में धारण करने की सलाह दी। वही सेवा केंद्र पर भी इस पावन पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके बहनों ने राखी बांधी। साथ ही परमपिता शिव परमात्मा द्वारा बताए जा रहे पवित्रता के रास्ते पर सदा चलते रहने की बात कही। पश्चिम बंगाल के बुर्दवान पुलिस लाइन में सेवा केंद्र द्वारा इजी मेडिटेशन फॉर बिजी लाइफ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 250 पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रोमा ने राखी के आध्यात्मिक रहस्यों के साथ साथ राज्यों की जानकारी देते हुए उसे जीवन में धारण करने की सलाह दी।
ऐसे ही क्राइम कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारियों ने ब्रह्मा कुमारी को मेडिटेशन के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर बीके रोमन ने सभी उपस्थित अधिकारियों को राज्यिक मेडिटेशन कराया, साथ ही एसपी, एएसपी, डीएसपी समेत कई अधिकारियों को पवित्रता का धागा बांधकर परमात्मा का दिव्य संदेश दिया। नेपाल के विराटनगर सेवा केंद्र की बीके सदस्यों ने नेपाल पूर्वांचल कस्टम कार्यालय में कस्टम ऑफिसर कृष्ण बस्नेत और सभी स्टाफ मेंबर्स को राखी बांधी को मोरंग जिला के कलेक्टर तोयम राय, एफिलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस विदुर विक्रम थापा को राखी बांधकर ईश्वरीय संदेश दिया, साथ ही जीवन में स्वयं की रक्षा करने के लिए राज्यों को जरूरी बताया। ऐसे ही रक्षाबंधन के पावन पर्व पर क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व क्षेत्रीय पुलिस नायक उप निरीक्षक दुर्गाराज रेग्मी, रविन बिष्ट समेत सभी परीक्षार्थियों को बीके गीता ने राखी बांधकर आध्यात्मिक ज्ञान से लाभान्वित किया। वही चंडीगढ़ सेक्टर 33A सेवा केंद्र पर भी अलौकिक रक्षाबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके उत्तरा ने सभी उपस्थित जनों को राखी बांधी तथा इसके आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि स्वयं को मर्यादाओं में रखकर ही हम सभी सुरक्षित हैं और परमात्मा प्यार का बंधन ही हमारी रक्षा करता है। मुंबई के नालासोपारा सेवा केंद्र द्वारा कई स्थानों पर बीके सदस्यों ने राखी के कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये कार्यक्रम पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, महानगर पालिका ऑफिस में आयोजित इन कार्यक्रमों में बीके सारिका, बीके प्रतिभा समेत अन्य बीके बहनों ने पुलिस अधिकारियों समेत डाक विभाग के कर्मियों को राखी बांधकर सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। ऐसे ही नालासोपारा के ईस्ट और वेस्ट के सेवा केंद्रों पर भी राखी का पर्व मनाया गया, जहां बीके बहनों ने सभी भाई बहनों को राखी बांधकर पवित्र रहने का दृढ़ संकल्प कराया। वहीं विरार के एमएलए ऑफिस और अरनाला बस डिपोट में भी बीके बहनों ने राखी बांधकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ईश्वरीय संदेश दिया। उत्तराखंड चंपावत में आईटीबीपी में इस पावन पर्व पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने डीआईजी एपी निम्बोडिया, विधायक पूर्ण सिंह समेत कई कमांडेंट ऑफिसरों को रक्षाबंधन का अर्थ स्पष्ट करते हुए ईश्वर की तरफ से सभी जवानों को रक्षा सूत्र बांधा। वही महाराष्ट्र के सोलापुर सेवा केंद्र पर इस पर्व पर नगर परिषद के कमिश्नर विजय कुमार कलम पाटिल को सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम प्रभा ने राखी बांधकर ईश्वरीय सौगात देते हुए परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया। कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन डी एच शंकरामूर्ति को शिमोगा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनुसुईया ने राखी बांधी, साथ ही सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। ऐसे ही के एस ईश्वरप्पा, डिप्टी कमिश्नर एकेडी वीपी, एग्रीकल्चर ऑफिस के ज्वाइंट डायरेक्टर शिव कुमार को भी बीके सदस्यों ने राखी बांधकर पांच विकारों से स्वयं की रक्षा करने के लिए राज्यों को आवश्यक बताया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सेवा केंद्र के प्रभारी बीके रुकमणी, बीके बिंदु ने कलेक्टर पी दयानंद, विधायक जयसिंह अग्रवाल, महापौर रेणु अग्रवाल को ईश्वरीय राखी बांधी। वहीं बीके लीना ने प्रेस कॉम्प्लेक्स में सभी पत्रकारों को राखी बांधकर राज्यों को धारण कर विचारों में सकारात्मकता लाने पर जोर दिया। मुंबई के कोलाबा सेवा केंद्र द्वारा राखी उत्सव पर पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस समेत अनेक स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके गायत्री समेत अनेक सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को बताया कि परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों के माध्यम से हमें विषय विकारों से मुक्त करते हैं। इसके साथ ही कोलाबा सेवा केंद्र द्वारा कई स्कूल, कॉलेज व अस्पतालों समेत अनेक स्थानों पर राखी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यों का महत्व बताते हुए सभी स्थानों पर बीके गायत्री समेत अनेक सदस्यों ने राखी बांधी। गुजरात के हिम्मतनगर सेवा केंद्र पर भी पर्व मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका ने चिकित्सक, अभियंता समेत कई विशिष्ट लोगों व सेवा केंद्र से जुड़े लोगों को राखी बांधी। ओडिशा के नवरंगपुर सेवा केंद्र द्वारा 84 बीएसएफ बटालियन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके सदस्यों ने जवानों को तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाई और राखी बांधी। फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में राज्य शिक्षिका बीके पूनम ने डीसीपी वीरेंद्र वेद, एसीपी जितेश मल्होत्रा समेत अन्य पुलिस कर्मियों की कलाई पर राखी बांधी। ऐसे ही सेवा केंद्र पर भी राखी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसीपी शाकिर हुसैन,
इंडियन ऑयल CISF असिस्टेंट कमांडर DD राम को सेवा केंद्र प्रभारी BK उषा ने राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। पंजाब के पठानकोट जेल में कैदियों को सेवा केंद्र प्रभारी BK सत्या, BK बबीता, BK गीता ने सभी को राखी बांधी। इस शुभ अवसर पर जेल स्टाफ व कैदियों को रक्षाबंधन पावन पर्व की बधाई देते हुए BK सत्या ने बताया कि हम सदा सकारात्मक चिंतन करते हुए श्रेष्ठ कर्म ही करें। गाजियाबाद मुरादनगर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जनरल मैनेजर PR मंडल, चेयरपर्सन रेखा अरोड़ा, SBI के बैंक मैनेजर चंदा झा समेत कई गणमान्य लोगों को सेवा केंद्र प्रभारी BK राखी, राज्य शिक्षिका BK जयश्री ने राखी बांधकर ईश्वर संदेश दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 में स्थित CRPF बटालियन में CRPF के जवानों व अधिकारियों के लिए राखी पर्व पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेक्टर 44C की सेवा केंद्र प्रभारी BK कविता ने रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि पवित्रता का प्रतीक राखी परमात्मा की तरफ से बांधा गया अनुशासन व मर्यादाओं का बंधन है। परमात्मा ही रक्षक है जो हमारी बुराइयों से रक्षा करते हैं। वहीं उपस्थित कमांडेंट बलिहार सिंह, डिप्टी कमांडेंट अरविंद यादव समेत कई अधिकारियों और जवानों को रक्षा सूत्र बांधा। तत्पश्चात BK कविता और जवानों ने वृक्षारोपण भी किया। चंडीगढ़ के धनास में पूर्व रेलवे मंत्री पवन सिंह बंसल, SBI के बैंक मैनेजर राजेश पांगा, इंस्पेक्टर शादीलाल, मुलाया पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राम रतन समेत कई पुलिस स्टेशनों और पूर्व सांसदों को सेवा केंद्र प्रभारी BK लाज और वरिष्ठ राज्य शिक्षिका BK परमजीत ने सभी को राखी बांधकर ईश्वर संदेश दिया। महाराष्ट्र के संगमनेर सेवा केंद्र पर महाराष्ट्र राज्य के पूर्व राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट, मेयर दुर्गाताई तांबे को सेवा केंद्र प्रभारी BK भारती, BK पद्मा ने राखी बांधकर ईश्वर स्वागत भेंट कर सम्मानित किया। वहीं आनंद अखबार के एडिटर राजेंद्र सिंह चौहान और सब एडिटर शारदा देवी चौहान को भी BK बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वर का दिव्य संदेश दिया। राजस्थान रैनवाल के किशनगढ़ सेवा केंद्र पर नगरपालिका की चेयरमैन सुमित्रा को BK पूनम ने राखी बांधी। साथ ही सभी उपस्थित BK सदस्यों को राखी की शुभकामनाएं देते हुए रक्षा सूत्र बांधा। असम में गुवाहाटी के रूपनगर सेवा केंद्र पर राखी के पावन पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर BK सदस्यों ने उपस्थित मीडिया कर्मियों समेत कई लोगों को राखी बांधी। भुवनेश्वर में पूरी गजपति महाराज को यूनिट 9 सेवा केंद्र के प्रभारी BK गीता समेत अन्य सदस्यों ने राखी बांधी, साथ ही संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। ऐसे ही UCO बैंक और BSNL में भी रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाकर राखी बांधी। इसके साथ ही BK सदस्यों ने सभी को 5 विकारों से स्वयं की रक्षा करने हेतु राज्यों को जीवन में धारण करना जरूरी बताया। ऐसे ही दार्जिलिंग के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अनुराग श्रीवास्तव, सभासद आशा गुरुंग को BK बहनों ने आत्मिक स्मृति का तिलक लगाकर राखी बांधते हुए ईश्वर संदेश दिया। साथ ही राज्यों की जानकारी देते हुए उसे नियमित रूप से जीवन में धारण करने की सलाह दी। ऐसे ही पुलिस थाने, जेल, अस्पतालों, नशा मुक्त केंद्रों पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें BK सदस्यों ने सभी को रक्षा सूत्र बांधते हुए स्वयं को बुराइयों, व्यसनों और व्यर्थ संकल्पों को त्याग कर परमात्मा की याद से स्वयं को सुरक्षित रखने की बात कही। राजस्थान आबू रोड के कई स्थानों पर माउंट आबू से राज्य शिक्षिका BK सुप्रिया समेत अनेक सदस्यों ने राखी बांधी। ये कार्यक्रम बैंक, पुलिस थानों, स्कूलों, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशनों समेत कई स्थानों पर भी आयोजित किए गए। इसके साथ ही कैदियों को भी BK बहनों ने राखी बांधकर ईश्वरीय ज्ञान दिया। साथ ही व्यसनों, बुराइयों व 5 विकारों के बंधनों से मुक्त कर स्वयं की रक्षा करने की बात कही। पंजाब के सुनाम सेवा केंद्र पर भी राखी के अवसर पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब मंडी बोर्ड के वाइस चेयरमैन रविंद्र सिंह चीमा, रोटरी क्लब के अध्यक्ष सतीश मित्तल, मोनिका गोयल समेत शहर के कई विशिष्ट लोगों को सेवा केंद्र प्रभारी BK मीरा ने उपस्थित जनों को राखी बांधकर परमात्मा का दिव्य संदेश दिया। साथ ही शहर के जज नवदीप सिंह हुंडल, मुकेश सिंगला, SDM, DSP समेत NCC कैंप के विद्यार्थियों को भी राखी बांधते हुए राज्यों द्वारा स्वयं की रक्षा करने की बात कही। खबरें सुपर फास्ट में बस इतना ही। अगले रविवार को हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।